नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंसल। पिछले दिनों भाजपा के नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नीमा के घर पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें से 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं 4 लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई की गई है। वहीं 7 लोगों को आज उनके क्षेत्र में जुलूस पुलिस द्वारा निकाला है। आरोपियों से उठक बैठक भी लगवाई गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों भाजपा के नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नीमा के घर पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसमें घर में काफी तोड़फोड़ भी की थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित कर लिया है। वहीं 11 लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से 4 लोग लिस्ट बदमाश हैं। इन 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने NSA की कार्रवाई की है। वहीं 5 लोगों को आज पुलिस ने गोपी कृष्ण नीमा के घर तक जुलूस से निकाला और कान पकड़ कर उठक बैठक भी लगवाई। सोलह 11/2020 को गोपी नीमा जी का जो घर का हमला हुआ था, उसमें अभी तक हमने 22 लोगों को नामजद किया है। वो 22 में से अभी तक 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 11 में 7 जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी इस अपराध में हुई है। इसके अलावा उसी अपराध से जुड़े हुए 4 लोग हैं, जिसमें पुलिस ने उनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की है। जो आरोपी जिनके ऊपर NSA की कार्रवाई की है वो है अश्विन सिरोलिया, अरुण वर्मा, करण राणा और संधू अनुपम अनमोल संधू। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हम उसमें सभी को आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हम जल्द से जल्द करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।